राजधानी दिल्ली में जगह जगह उतरे एनएसजी कमांडो। अचानक सड़कों पर हथियारों के साथ दिखे दिल्ली पुलिस के जवान। पार्लियामेंट से लेकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और दिल्ली के स्कूलों में पहुंची बम स्क्वाड की टीम। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। ये चार तस्वीरें दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट, राजीव चौक मेट्रो, आरकेपुरम सेक्टर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की हैं, जहां राजधानी की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवान और एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में इस तरह से भारी सुरक्षा को देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी जवान और कमांडो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन घबराए नहीं, ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और एनएसजी कमांडो शामिल हैं। राजधानी की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए कई इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस तरह की तैयारियों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली के करीब 131 स्कूलों को बम की धमकी भरा मेल आया था, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स से लेकर प्रशासन तक हलचल मच गई थी। हालांकि ये महज एक अफवाह निकली, लेकिन इस तरह की कोई भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने और एनएसजी ने मिलकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हैदराबाद हाउस, झंडेवालान मंदिर, डीपीएस आरकेपुरम और दिल्ली पब्लिक स्कूल में मॉक ड्रिल किया। चलिए अब आपको एक एक जगह की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारियों को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपको दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ एनएसजी और सीआईएसएफ के कमांडो भी तैनात हैं। आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, जवानों को इसके निर्देश दिए गए। टेरर अटैक की मॉक ड्रिल प्लान करेंगे, डिफरेंट एजेंसीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड अपना ड्रिल चेक कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का ऐसे यहाँ पे कोई कॉन्टिंजेंसी सिचुएशन नहीं है, पर इसको सिमुलेट किया जा रहा है। तो कृपया हमारे साथ सहयोग करें और अपने डेजिग्नेटेड इंक्लोजर में। थैंक यू सो मच। दिल्ली के मशहूर मेट्रो स्टेशनों में से एक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ भी एनएसजी और सीआईएसएफ के कमांडो ने अभ्यास किया कि किस तरह से घटना के समय लोगों को बचाया जा सके। कुछ इसी तरह का नजारा दिल्ली के आरकेपुरम सेक्टर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास नजर आया। यहाँ भी काफी तादाद में जवानों को तैनात किया गया। दिल्ली के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकियों में दिल्ली पब्लिक स्कूल भी शामिल था, इसलिए एनएसजी के कमांडो ने यहाँ पर भी मॉक ड्रिल किया। दिल्ली में 131 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस तरह अलग अलग जगह जाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो सुरक्षा में तैनात ये जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा कोई घटना घटती है तो लोगों को किस तरह से बचाया जा सके, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। दिल्ली में धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई थी, उसी के तहत इन तैयारियों को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।